वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं 2024 हिंडई क्रेटा फेसलिफ्ट एंड 2023 टाटा हैरियर के बीच में। हम इन दोनों गाड़ियों के बीच में फुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, सो मेरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देखना ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएँ। पर उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर एकदम न्यू हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऐसे ही कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के एक्सटर्नल लुक्स एंड फीचर्स को। फ्रंट लुक में आपको इन दोनों गाड़ियों में फुल LED हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद कनेक्टेड फुल LED DRL विद फ्रंट कैमरा। साइड लुक में आपको टाटा हैरियर में 19 इंच के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्रेटा में आपको अबाउट 17 से 18 इंचेस के बीच में, उसके साथ आपको ORVM के नीचे कैमरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रियर प्रोफाइल में आपको इन दोनों गाड़ियों में फुल LED कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे विद रियर वाइपर, रियर कैमरा, रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स के साथ। एंड छत पे आपको इन दोनों गाड़ियों में फुल पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड किया जाएगा विद शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर को, जैसा कि आप सामने इन दोनों गाड़ियों का डैशबोर्ड देख ही पा रहे हैं, अब आपको क्रेटा 2024 में एकदम सेल्टोस स्टाइल इंटीरियर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक ही स्क्रीन प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड अबाउट 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑन द अदर साइड टाटा हैरियर में एक तो आपको न्यू स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया जाएगा विद टाटा ग्लोइंग लोगो, ये आज की डेट में सिर्फ टाटा ही फीचर प्रोवाइड करके दे रही है इंडियन मार्केट में। उसके साथ आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया जाएगा एंड अबाउट 12.29 इंचेस की फुल टच स्क्रीन प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी कि हैरियर में आपको बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में ड्यूल जोन AC, रियर AC वेंट्स, उसके साथ 360 डिग्री कैमरा और डिमिंग IRVM, एयर प्यूरीफायर सिस्टम, ड्राइवर इलेक्ट्रिक सीट, फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एम्बेड लाइटिंग, रियर सनशेड्स एंड रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स एकदम कॉमन देखने को मिलेंगे। पर अगर हम बात करें आपको हैरियर में ऐसे कौन से फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, हैरियर में आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट एंड उसकी ड्राइवर सीट में आपको मेमोरी फंक्शन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा ओवर 2024 क्रेटा। अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की, आपको क्रेटा में 6 एयरबैग्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑन द अदर साइड हैरियर में आपको 7 एयरबैग्स, बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में ABS/ABD, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे ढेर सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आपको इन दोनों गाड़ियों में Level 2 के ADAS के फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि अब आपको 2024 क्रेटा में Level 2 के ADAS के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एंड 2023 में आपको हैरियर में भी ये सब फीचर्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, आपको हिंडई क्रेटा में टोटल 3 इंजन ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का डीजल और एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसकी डिटेल्स आप सामने देख ही पा रहे होंगे। ऑन द अदर साइड आपको टाटा हैरियर में एक 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, जो बेसिकली फिएट कंपनी का इंजन है एंड अभी तक इसका कोई भी पेट्रोल मॉडल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, पर जल्द होने वाला है, पर अभी तक नहीं हुआ जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो आपको टाटा हैरियर में थोड़े कम इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, यानी कि एक ही, पर उसके इंजन में आपको ज़्यादा पावर देखने को मिल जाएगी। ऑन द अदर साइड क्रेटा आपको पेट्रोल एंड एक टर्बो पेट्रोल इंजन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा ओवर टाटा हैरियर। आप नीड्स के अकॉर्डिंग कोई भी इंजन या फिर गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये था मेरा कंपैरिजन बिटवीन 2024 हिंडई क्रेटा एंड टाटा हैरियर। जैसा कि आपने देखा इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर फीचर्स एंड इंटीरियर, यहाँ पे आपको इन दोनों गाड़ियों में लगभग सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, 2-3 फीचर आपको टाटा हैरियर में एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। एंड अगर हम बात करें इस गाड़ी के डायमेंशंस की, यानी कि इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की, वहाँ पे क्लियरली विनर है टाटा हैरियर, जिसमें आपको ज़्यादा बड़े डायमेंशंस देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि उस गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफ़ी बेटर होने वाली है एज कम्पेयर टू हिंडई क्रेटा। हिंडई क्रेटा उसके सामने थोड़ी छोटी लगने वाली है। सो अगर हम बात करें प्राइस की, टाटा हैरियर का तो प्राइस आप जानते ही होंगे, पर 2024 हिंडई क्रेटा का प्राइस अभी तक रिलीज नहीं हुआ। 16 जनवरी 2024 को ये गाड़ी इंडिया में अनवील हो जाएगी, तब इसका प्राइस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल अबाउट दिस कंपैरिजन। कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन कमेंट करके बता देना, एंड ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे काफोस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।